अनुष्का शर्मा की इमेज तो वैसे एक सीधी सादी और सिंपल सी होमली लड़की की है, मगर दिल विल प्यार व्यार के मामले में उनकी हिस्ट्री जरा सी कॉन्वोल्यूटेड है। बदमाश कंपनी की शूटिंग के दौरान अक्सर अनुष्का और हाथरब शाहिद कपूर की बढ़ती नजदीकियों की रिपोर्ट सुनने में आई थी। अपेरेंटली दोनों एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट मैसेजेस भेजते थे और एक दूसरे की फैंस में भी काफी वक्त बिताते थे। एंड आई एम श्योर कि आपको ये भी याद होगा कि इन दोनों ने बदमाश कंपनी में एक सिजलिंग हॉट लिप लॉक शेयर किया था और उस केस में एक दूसरे के साथ उनका कंफर्ट लेवल भी सिल्वर स्क्रीन पर क्लियरली नजर आ रहा था। अब साशा अनुष्का के बीच कुछ था या नहीं, दैट तो वी डोंट नो, पर वो किस्सा तो अब ओल्ड न्यूज बन चुका है। फिलहाल तो अनुष्का के सारे रोमांटिक स्पेकुलेशंस द लेटेस्ट हंग ऑन द बी टाउन ब्लॉक रणवीर सिंह को लेकर है, मगर इन दोनों के इक्वेशन को लेकर काफी कंफ्यूजन भी है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अल्योरिंग अनुष्का रॉकस्टार रणवीर के साथ अपनी बॉन्डिंग डे से इन्वॉल्व थी, मगर दूसरी तरफ रणवीर का कहना है कि स्टार्टिंग में उन्हें अनुष्का बहुत ही हाई हैंडेड लगी और अनुष्का को वो थोड़े से पागल, लेकिन धीरे धीरे ये गलत फहमियां दूर हुई और दोनों के बीच सीरियसली अच्छी दोस्ती हो गई। अब ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे या B3 के वक्त उनकी दोस्ती हुई ये तो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर है कि B3 की मेकिंग के दौरान इनकी रिलेशनशिप वेरी मच ऑन थी। ये दोनों अक्सर रेस्टोरेंट्स और कैफेज में एक दूसरे के साथ कोजी हुए नजर आए थे। गॉसिप की गलियारों में तो यहाँ तक खबर है कि रणवीर और अनुष्का एक दूसरे की लाइफ में इतने इन्वॉल्वड है कि अनुष्का गिव्स हिम एडवाइस ऑन व्हाट टू से इन मीडिया इंटरव्यूज एंड रणवीर एक्चुअली फॉलोस हर एडवाइस। लेकिन इन सब बातों के बावजूद रणवीर और अनुष्का का ऑफिशियली तो यही स्टैंड है कि दे आर गुड फ्रेंड्स एंड नथिंग एल्स। खैर अनुष्का अपने किसी भी लिंकअप को एडमिट करे या ना करे, मगर इन लिंकअप्स ने उन्हें लाइमलाइट में जरूर रखा है और इसलिए तो अनुष्का के लिंकअप्स है उनका स्टारडम नंबर 7।